गाजियाबाद के राजनगर की चाम कदल सोसाइटी लिफ्ट में सोमवार को एक महिला के पालतू कुत्ते ने एक बच्चे को काट लिया। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जिसमें कुत्ता बच्चे को काटता दिखाई दे रहा है। वहीं बच्चे को संभालने या पूछने की बजाय महिला चुपचाप खड़ी रहती है और बच्चा दर्द से कराता रहता है। बच्चे के पिता ने महिला के खिलाफ तहरीर दी है। सोसाइटी में रहने वाला एक 9 वर्ष का बच्चा चौथी क्लास में पढ़ता है। बच्चा सोमवार को ट्यूशन से लौट रहा था। सोसाइटी की लिफ्ट में एक महिला अपने पालतू कुत्ते को लेकर प्रवेश करती है। महिला कुत्ते के साथ लिफ्ट में पीछे की ओर जाती है तो बच्चा कुत्ते को देखकर लिफ्ट में थोड़ा आगे आ जाता है। इसी दौरान कुत्ता बच्चे पर हमला कर देता है और उसकी कमर के पास काट लेता है। बच्चा दर्द से कराहता रहता है पर महिला को कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। देखी होगी जिसमें एक छोटे से बच्चे को एक पेट ने काट लिया था। तो हमें भी पता है कि पेट लोगों को बहुत पसंद है। लोगों के घर में हम मना नहीं कर रहे हैं किसी की पेट मत रखिए, लेकिन उन पेट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन लोगों की जिम्मेदारी ही होती है कि वो उस पेट का ध्यान रखें, इस चीज़ को इंश्योर करें कि वो गंदगी कहीं ना फैलाएं। और सोसाइटी में आप देखेंगे तो बहुत बच्चे, शाम को बहुत सारे बच्चे यहाँ इस सोसाइटी में घूमते हैं। और जैसे महिला हंस रही थी बच्चे काटने के बाद, कहीं ना कहीं संवेदनशीलता दिखाता है। हाँ जी, ये दिखाता है कि रवैया ठीक नहीं है पेट्स के लिए। पेट्स का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पेट्स के मास्क आते हैं मुँह फेस कवर करने के लिए। अगर पेट के लिए अगर कोई स्पेसिफिक टाइमिंग हो कि वो उसी टाइम पे ही निकल सके, या कोई स्पेसिफिक लिफ्ट हो कि उस टाइम वही पेट्स के लिए यूज़ होगी, तो किसी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पेट को छोड़ दीजिए या कुछ भी इस तरह का कीजिए, लेकिन प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए और वो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत दुखद घटना है। ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है। जो इसके पास कुत्ता है वो अपने कुत्ते को समझता है कि उसका बच्चा है। सही बात है कि समझिए पालिए भी, मगर अगर ये किसी को हानि पहुँचाता तो सही नहीं है। लास्ट ईयर नवंबर में मेरे साथ भी ऐसी कुछ घटना हुई थी। मेरे जैसे टावर के जस्ट सामने आके एक कुत्ते ने काट लिया। काटने के बाद बस उसके जो मालिक थे आके सॉरी बोलते हैं। उसके बाद जो जितनी दुविधा होती है, जो इंजेक्शन लगते हैं, वो आपको खुद ही झेलने पड़ते हैं, मगर उसका कोई समाधान नहीं है अभी तक। सोसाइटी में दो चार बार बात भी उठी है तो उनकी एसोसिएशन कहती है कि भैया ऐसे गलत है, हम कुछ नहीं करते, ये नहीं करते, बट मोस्टली कुत्तों को ये लोग सही से रखते नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुत्ते पालने रूल्स बनने चाहिए, नगर रूल्स बनने चाहिए, नगर निगम की तरफ से रूल्स होने चाहिए कि भैया अगर आपके पास कुत्ता ही है, आपकी खुद की उसके खुद के एंटरटेनमेंट के लिए खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई दूसरा उसके लिए क्यों सफ़र करे। अगर आपको काट रहा है इसी आपके उसके लिए, ये नहीं कि बस सॉरी बोल दिया, इंजेक्शन लगवा दिए, वो तो रोज़ का ही है। और एक बार कोई कुत्ता काटता है ये नहीं कि पहली घटना होती है, दूसरी तीसरी बार घटना होती है। जो कल किसी कुत्ते ने काटा है, ग्रुप में लोग कह रहे थे कि 3 से 4 बार ऑलरेडी काट चुका है, मगर उस पर कोई एक्शन होता नहीं है। FIR कराना, ये सब सोल्यूशन से कुछ होता नहीं, क्योंकि वो पता नहीं कब की कब सुनी जाए क्या हो। बट वही है, जिसपे बीतती है वही जानता है। आज उस लड़के में जिसपे कल काटा है उसके का भय है, और वो कहीं भी जाएगा उसे ऐसा डर लगेगा कि कुछ कहना मुश्किल है। कल दिनांक 5 सितंबर की शाम को राजनगर एक्सटेंशन स्थित चाम्स कैसल सोसाइटी की लिफ्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कि कुत्ता मालकिन की मौजूदगी में कुत्ते ने एक बच्चे को काट लिया। उक्त संदर्भ में बच्चे के पिता की तहरीर के आधार पर थाना नंदग्राम में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही।